सब ने मिलके एक निर्णय लिया था कि 16 तारीख को जेल भरो आंदोलन हम करेंगे, तो कल आप और हम सब पूरी ताकत से आज जाके प्रयास करेंगे, गांव-गांव हम जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करके लाएंगे। कल हजारों की संख्या में माताएं बहनें और बुजुर्ग किसान और नौजवान साथी सब गिरफ्तारी देंगे, पक्की गिरफ्तारी दोगे ना सारे, हाथ उठा के इस चीज का आश्वासन दो कि कल सारे के सारे हम पक्की गिरफ्तारी देंगे, हजारों की संख्या में किसान माताएं बहने गिरफ्तारियां देंगे और देख लेंगे इस सरकार को कि कितनी लंबी इस सरकार की जेल है। कल हम आर पार की लड़ाई करेंगे खट्टर सरकार के साथ। और दूसरा निर्णय ये हमारा था कि 20 गांव में हम किसी भी बीजेपी जेजेपी के आदमी को घुसने नहीं देंगे, नेता मंत्री को। 18 तारीख को डिप्टी सीएम आ रहे हैं सरसाना में, और 20 गांव के साथ साथ हमारे जो आसपास लगते गांव में भी यदि आएंगे तो भी हम विरोध करेंगे। और 18 तारीख को ये लोग आ रहे हैं, हो सकता है ऊपर के लोग पक्की गिरफ्तारी दे के जेल में चले जाए, तो मैं पूरे इलाके के किसानों से यह आह्वान करता हूँ कि 18 तारीख को दुष्यंत चौटाला को हिसार के इस एरिया में बाढ़ समुद्र तहसील के एरिया में घुसने नहीं देना है किसी भी कीमत में। आप सब सारे सहमत हो ना इस बात पे? हाँ जी। तो दो बातें हैं, कल हम पक्के गिरफ्तारी देंगे हजारों की संख्या में, और 18 तारीख को दुष्यंत चौटाला को घुसने नहीं देंगे इस तहसील के एरिया में। इन दोनों बातों को पल्ले गांठ बांध लो और कल के लिए पूरी जोर शोर से तैयारी आज ही शुरू कर दो। और कल की हमारी जो गिरफ्तारी होगी, माताएं बहने महिला किसान भी हमारे साथ और हमारे बुजुर्ग और नौजवान सारे के सारे इसमें अपनी गिरफ्तारियां देंगे। आप सब ने इसमें सहयोग समर्थन का आश्वासन दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।